सपोज A1, A2, कॉमा A3, A4 एंड डॉट 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 दिस नंबर आर इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, आर इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन विथ कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो आर। तो हम लोग ये मान रहे हैं कि जो आपके ये नंबर्स हैं A1, A2, A3, A4, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हैं तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि अ सीक्वेंस A1, A2, A3 डॉट डॉट AN आर इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये तभी हो सकता है जब कॉन्सिक्यूटिव टर्म का रेशियो क्या हो? कॉन्स्टेंट हो, वो आर के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो A2 का किससे रेशियो होगा? A1 से रेशियो होगा, ठीक है। जो A3 का रेशियो होगा A2 से, जो A4 का रेशियो होगा A3 से। ये आपका ये भी रेशियो आर होगा, ये भी रेशियो आपका क्या होगा? आर होगा, ये भी रेशियो आर होगा। यहाँ से आप क्या कह सकते हो? यहाँ से कह सकते हो कि जो आपका A2 है, ठीक है, A2 A1 इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। सपोज अगर हम फर्स्ट टर्म को A1 को हम ए एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, A1 को ए एज्यूम कर लेते हैं, तो आपका A2 क्या लिखा जाएगा? A2 लिखा जाएगा आपका, चूंकि A1 ए है तो ये हो जाएगा ए इंटू आर। यहाँ पे हमने क्या A1 को क्या एज्यूम किया है? ए एज्यूम किया है, मतलब सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म हमने ए एज्यूम कर लिया और कॉमन रेशियो हमारा आर था। इसी तरह से इसका मतलब A2 को आपने AR लिख दिया। सिमिलरली A3 को आप क्या लिख सकते हो? इन टर्म ऑफ ए एंड आर। तो A3 यहाँ से देखा जाए तो A3 क्या हो जाएगा? ये A2 मल्टीप्लाई होगा R से, तो A2 इंटू आर। दैट इम्प्लाई जो A3 आपका है, A3 इक्वल्स टू A2 इंटू आर है, बट A2 आपका यहाँ से क्या है? A2 आपका है A इंटू आर, और A2 A इंटू आर है, ये ऑलरेडी A इंटू आर है, ठीक है। तो एक R और मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? A R की पावर 2। सिमिलरली यहाँ से आप देखेंगे A4, A4 क्या हो जाएगा आपका? A4 हो जाएगा A3 इंटू आर। A3 इंटू आर का मतलब क्या हुआ? यहाँ से A3 की वैल्यू कितनी है? यहाँ से A3 की वैल्यू AR² है, मतलब ये चीज़ AR² है, जो A3 है ये AR² है। तो AR² लिख के हटा दोगे इसको, तो AR² इंटू आर, मतलब जो A4 है आपका, A4 हो जाएगा AR³, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम A5 गेस करना चाहें, इस पैटर्न, चूंकि हमें एक पैटर्न मिल रहा है, ठीक है, और इसमें अगर हम लोग A5 को गेस करना चाहें तो कितना हो जाएगा? AR⁴, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो था A4 जो था एक कम, दैट इज 3 इज 4-1, और यहाँ पे A3 था तो A3 किसके इक्वल था? दैट इज 3-1, 2। यहाँ पे क्या था? 1 था, 1 मतलब जो A2 है आपका, इसका मतलब 2-1 था, ठीक है। सिमिलरली हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर आपसे कोई गेस करने के लिए कह दे A10, A10 कितना होगा, तो नॉर्मल सी बात है कि A10 जो हो जाएगा इस 10 से एक कम, जो R की पावर होगी इस 10 से एक कम हो जाएगी, और एक कम मतलब कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई गेस करे AK, कोई kth टर्म, ठीक है, वेयर k इज एन इंटीजर, तो kth टर्म अगर गेस करना है तो सब में क्या था? यहाँ पे जो था 4 से एक कम था ये 3, यहाँ पे क्या था? 5 से एक कम था 4, यहाँ 10 से एक कम था
9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k से एक कम, मतलब k माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई nth टर्म की बात करे, an, अगर nth टर्म की बात करे, दैट इज अ जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये हो जाएगा a r टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, जिसमें an क्या है आपका, an आपका हो गया जनरल टर्म, इसको आप जनरल टर्म कहते हो, जनरल टर्म। ठीक है, ऑफ द सीक्वेंस, एंड ए ए इज द फर्स्ट टर्म, ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म, एंड आर आर इज द कॉमन रेशियो, दैट विल बी द कॉमन रेशियो। ठीक है, और एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म या टर्म नंबर, टर्म नंबर हम कह सकते हैं। ठीक, तो चलिए कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन क्या है, हमें पता करना है सिक्स्थ टर्म, ठीक है, इस जीपी का। तो पहले तो हम लोग ये वेरीफाई कर लें कि ये जीपी है भी या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पहले हम लोग वेरीफाई करेंगे कि ये जीपी है या नहीं है। तो हमने कहा कि ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, जो ये चीज़ है आपकी, ठीक है, ये जो चीज़ है आपकी, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया सीक्वेंस का, जो ये नंबर हो गया 10 हो गया, ये सीक्वेंस का सेकेंड टर्म हो गया, जो आपका 50 है, ये सीक्वेंस का क्या हो गया, थर्ड टर्म हो गया, एस सो ऑन। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि अगर ये जीपी तभी बोली जाएगी जब आप कहोगे कि सेकेंड टर्म का रेशियो ए टू बाई ए वन, ठीक है, वो आप चेक करो कितना आ रहा है, 10/2 आ रहा है। ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 5, है ना, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यहाँ से 5 आ गया। फिर चेक करोगे a3/a2, तो a3/a2, a3 कितना है आपका, a3 आपका है 50, तो 50/, और a2 कितना है आपका, 10 है, तो इसको कैंसिल करोगे, 10 1 जा 10 एंड 10 5 जा 50, तो ये चीज़ क्या आ गई, 5 आ गई। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि जो 2, मतलब a1, a2, a3 है, एंड सो ऑन, ऐसे ही नंबर रिपीट कर रहे होंगे, आर इन जीपी, ये किस में होंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होंगे, विथ कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, विथ कॉमन रेशियो आर इक्वल्स टू हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 5 आ रहा है कॉमन रेशियो, यहाँ भी 5 आ रहा है कॉमन, हर जगह कांस्टेंट आएगा। अच्छा, फर्स्ट टर्म क्या है सीक्वेंस का, फर्स्ट टर्म सीक्वेंस का यहाँ पे आपका a1, तो फर्स्ट टर्म आपका सीक्वेंस का कितना है, 2 है, तो फर्स्ट टर्म सीक्वेंस का 2 है। हमें पता क्या करना है, पता करना है वी हैव टू फाइंड आउट द सिक्स्थ टर्म। ठीक है, फाइंड आउट द सिक्स्थ टर्म, तो सिक्स्थ टर्म के लिए हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, an के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था कि कोई भी nth टर्म जो है a r की पावर n माइनस 1 होता है, तो सिक्स टर्म क्या हो जाएगा, सिक्स टर्म हो जाएगा a r की पावर 6-1, 6-1 का मतलब क्या हुआ, 5, a r की पावर कितना हो गया, 5 हो गया। अच्छा, a हमारा तो दे रखा है यहाँ पे, a अपना क्या है, a हमारा है 2। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो ये चीज़ R की वैल्यू हो गई, R इक्वल्स टू 5, मतलब 5^2 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। अब जब ये कैलकुलेट करोगे आप, तो 2 × 5^5, 5^5 कितना होगा, तो ये 5^5 जो हो जाएगा 3125। ठीक है, फिर 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, 1 कैरी हुआ, 2 2 जा 4 + 1 5, एंड 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपको रिक्वायर्ड था सिक्स्थ टर्म, वो सिक्स्थ टर्म कितना हो जाएगा, 6250। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट 11th टर्म निकालना है। तो अब हम लोग चूंकि इसको ये हम लोग प्रूफ कर लेंगे कि ये इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो ये आपका यहाँ से आ गया फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना दिख रहा है आपका, पहले तो इसको हम लोग हटाते हैं,
ठीक है, तो इस सेकेंड पार्ट में देखा जाए तो फर्स्ट टर्म कितना दिख रहा है आपका, फर्स्ट टर्म दिख रहा है आपका 4। फिर बात आती है कॉमन रेशियो कितना है, तो कॉमन रेशियो हो जाएगा आपका ए टू बाई ए वन। ए टू बाई ए वन का मतलब क्या हुआ, 12/4। 12/4 का मतलब 4 1 जा 4 और 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये 3 हो गया कॉमन रेशियो। हमें निकालना क्या है, 11th टर्म। 11th टर्म, 11th टर्म क्या होता है, ए आर टू द पावर 11-1। ठीक है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए आर की पावर एन माइनस वन होता है। तो यहाँ 11-1 मतलब कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ए हो गया आपका 4 और आर हो गया 3, 3 टू द पावर 10। ठीक, जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपका कैलकुलेट हो के आएगा 2 3 6 1 9 6। ठीक है, या तो आंसर आप ऐसे ही छोड़ सकते हो या कैलकुलेट करो। अगर बहुत बड़ा नंबर होता है तो आपको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी फॉर्म में आंसर को छोड़ सकते हो। ठीक है।